हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये वीडियोस पूरा उनके लिए होने वाला है भाई, जो DSSSB जिनका KVS में नहीं हो सका, या जो KVS वाले जो इंटरव्यू तक गए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जिनको PRT का जो DSSSB के अंदर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं PRT के वैकेंसीज के लिए, उनके लिए गुड न्यूज़ है। और पूरा ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाला है, और वीडियो को पूरा दिखेगा। आपके जो भी सारे डाउट्स हैं मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि देखिए, RTI इसके पहले भी मैंने लगाया था। और RTI क्या होता है आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूँ कि आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आप किसी भी चीज़ का, मतलब ये है कि सामने वाली जो एजेंसी है वो आपको जस्टिफिकेशन तो नहीं देगी, लेकिन आप कुछ ऐसे जनरल सवाल होते हैं जो आप पूछ सकते हो, ठीक है, अथॉरिटी से। तो उसी के बेस में एक पहला, इसके पहले वाला जो रिप्लाई था उसमें यह था कि कोई जो मतलब MCD की तरफ से कोई भी वैकेंसीज की अपडेट नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार जो RTI का रिप्लाई आया है उसमें अच्छी न्यूज़ आके मिली है कि भैया DSSSB की जो वैकेंसीज हैं, मतलब वैकेंसी की अपडेट के लिए लगभग 1147 पोस्ट पर MCD ने अपना वो एग्रीमेंट कर दिया है कि भैया इतनी वैकेंसीज खाली हैं MCD की तरफ से। तो उसकी जो वैकेंसीज है अभी MCD की आ गई है। अब बात करें तो जो MOE है और NDMC है, इनकी तरफ से जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होगी, वैकेंसी कितनी है, इनकी तरफ से भी प्रस्ताव वगैरह भेज दिए जाएंगे DSSSB को, तब जाके इकट्ठा क्लियर हो जाएगा कि इतनी वैकेंसीज हैं, अवेलेबल हैं, और तब जाके आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब जो उम्मीद बन रही है बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो अगस्त तक आपको DSSSB की PRT की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और एग्ज़ाम की बात करें तो आप अक्टूबर नवंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो भी DSSSB का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं भाई, जिनका KVS में नहीं हुआ, तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और बात करूँ तो इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, KVS की तरह नहीं होता, KVS से थोड़ा सा लेवल इसका भाई, जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ और रीजनिंग वगैरह के, वो अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक अच्छी तैयारी चाहिए होती है। बाकी जो पार्ट बी वाला सेक्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड या मेथोडोलॉजी है, और जिसमें आपको NIOS की समरी वगैरह है, वो सब मैं स्टार्ट करूँगा जल्दी। थोड़ा सा चीज़ें हेक्टिक हैं, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो चीज़ों को मैं, जो NIOS की समरी है और पार्ट बी वाला सेक्शन है, वो मैं बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। एक दो वीडियो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, चीज़ें स्टार्ट मोड में हैं, बस मुझे उसके आगे से पढ़ानी है चीज़ें, तो मैं जल्दी उसको भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा DSSSB का, स्पेशली टीचिंग मेथोलॉजी या पार्ट बी वाला सेक्शन। तो अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। और मैंने ये भी बता दिया कि कब तक प्रस्तावित है भैया प्रपोजल, जो है कि वो अगस्त में आ सकती है, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है अगस्त तक, और नवंबर दिसंबर तक आपको DSSSB के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, जिनके पास नहीं होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शिशिर की पाठशाला आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट देता रहता हूँ आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। और ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक के साथ आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।